हाय फ्रेंड्स, मोना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आलू और टमाटर की जूस वाली मज़ेदार सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। चावल के साथ खाइए तो मज़ा आ जाता, आनंद आ जाता है। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर लाइक करिए और कमेंट में लिखिए, ताकि मैं और वीडियो बनाया करूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि नया से नया जब भी हमारा वीडियो जाए सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो चलिए हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं गैस फुल फ्लेम पे जला लूँगी, कढ़ाई रख लूँगी। उसके बाद मैं ये मैं 6 मीडियम साइज़ का आलू ली हूँ, जिसको मैं छील के और लंबा लंबा कट करना है, ऐसे ज़्यादा पतला नहीं, ताकि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद मैं तेल डालूंगी, तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं पहले आलू फ्राई करूंगी। आलू फ्राई करके जब ब्राउन हो जाएगा तब जाके इसमें थोड़ा हल्दी इसलिए डाल रही हूँ कि आलू का कलर देखने में अच्छा लगने लगेगा और कढ़ाई भी नहीं गंदा होता है इधर उधर से। इस तरह से हाई फ्लेम पे हमको आलू अच्छे से 2 से 3 मिनट ऐसे चलाते रहना है, रुक रुक के। खूब बढ़िया जब पक के सुनहरा हो जाएगा तब मैं इसको निकाल के तब इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी। देखिए मेरा आलू ब्राउन हो रहा है। खूब अच्छे से जब ब्राउन हो जाएगा तब जाके मैं इसको निकालूँगी। ये आधा से अधिक जब ब्राउन हो जाएगा तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, ताकि जो आलू है मेरा अच्छे से पक जाए। देखिए कितना सुनहरा दिख रहा है। एकदम हाई फ्लेम पे ये प्रोसेस करना है ताकि आलू अच्छे से पक जाए। उसको मैं खूब बढ़िया से आलू पक रहा है। अब इसको मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक दूंगी। ढकने से क्या होगा ना कि जो मोटा आलू है तो थोड़ा अंदर से पक सॉफ्ट हो जाएगा, अगर ऊपर से वो ब्राउन तो हो ही गया है तो देखने में अंदर से भी पक जाएगा और देखने में भी सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी पकने के बाद, तब जाके मैं इसमें तड़का डालूँगी और तड़का दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ, और बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग बनाइए, खाइए और मज़े करिए, बहुत टेस्टी बनता है, अमेजिंग, खा के मज़ा आ जाएगा। नहीं बोलते हैं कि देख के पानी आ गया मुँह में, वही हाल रहता है इस सब्ज़ी का। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत लाजवाब। और मेरा 2-3 मिनट होने वाला है, अब मैं इस ढक्कन को हटाने वाली हूँ, हटाऊँगी और तब जाके, क्योंकि मेरा आलू लमसम पक गया है। जब आलू पक गया है, पक जाएगा तब इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे, निकाल के तब इसमें मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं एक बार खोल के देखी थी, मेरा आलू थोड़ा कम पका था, इसलिए मैं फिर दोबारा ढक दी हूँ। ये पूरा पक जाए अच्छे से तब जाके मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए ये आलू एकदम पक के तैयार है, सुनहरा एकदम गोल्डन। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, निकाल के तब इसमें मैं तड़का, सारा तड़का आप लोगों को डाल के दिखाऊंगी। देखिए कितना बढ़िया आलू एकदम अंदर से पक गया है, ऊपर से क्रंची अंदर से पक गया है सॉफ्ट। उसी तेल में, अलग से तेल नहीं डालना है, उसी तेल में हम तड़का डालेंगे। ये 8 से 10 कली लहसुन, आधा चम्मच मेथी, 2 सूखा मिर्चा, आधा चम्मच जीरा और 2 छोटी दालचीनी का टुकड़ा। सबको सबसे पहले तो मैं मेथी डालूँगी। मेथी थोड़ा ब्राउन होगा तो सारा चीज़ डाल दूँगी, क्योंकि मेथी पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको उसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ।
प्याज जब हल्का हल्का ब्राउन होगा तब जाके इसमें मैं आप लोगों को मसाला डाल के दिखाऊंगी। बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग भी अपने घर में बनाइए। अब मैं एक स्पून हल्दी पाउडर, एक स्पून धनिया पाउडर, हाफ स्पून जीरा पाउडर, एक चौथाई स्पून ब्लैक पेपर, स्वाद के अनुसार नमक, मैंने एक स्पून में नमक डाल रही हूँ आलू में। फिर इसको अच्छे से मैं अच्छे से चला लूँगी, उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। इसमें टमाटर ज़्यादा पड़ता है, जितना पड़ेगा तो इसका ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत मस्त लगता है। फिर इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए मेरा कितना बढ़िया पक के तैयार है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है धीमी धीमी लग रहा है। इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी 1 चम्मच, और ये जो है ना टमाटर जो था बाकी का, और टमाटर मैं पीस ली थी थोड़ा सा, थोड़ा ऐसे डाली हूँ, थोड़ा टमाटर में पीस के डाली हूँ। इससे क्या होगा कि ग्रेवी बहुत मस्त बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। अब इसमें मैं आलू डाल दूँगी। आलू को अच्छे से भून के, तो सब भून चुका है, देख मैं मिला लेना है पूरा अच्छे से हाई फ्लेम पे। तब इसमें पानी, आप जितना ग्रेवी डालना, पतला ग्रेवी बनाइए, गाढ़ा ग्रेवी बनाइए, ऐसा भी बना के खाइए। तो मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ, चावल के साथ खाना है। और इसको हाई फ्लेम पे हम 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। देखिए सब्जी बनके एकदम मज़ेदार, लजीज, रसेदार सब्जी, देख के ही मुँह में पानी आ जाए। इसमें ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता सर्व कर दूंगी। देखिए कितना बढ़िया सब्जी बनके तैयार है। थैंक यू सो मच।